Audio Jungle. इंदौर में मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की तैयारियों के दावों की पोल खोलकर रख दी है। सोमवार की शाम हुई बारिश से जहां शहर में कई स्थानों पर जल भराव हो गया, वहीं कीचड़ की वजह से आम नागरिक परेशान होते नजर आए। ये तस्वीर है इंदौर के निपानिया के वार्ड 36 की। अमृत पैलेस कॉलोनी में नेता और अफसरों की लापरवाही लोगों के लिए बारिश में आफत लेकर आई है, जिसके चलते कीचड़ युक्त सड़क पर वाहन चालक लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। वहीं निगम प्रशासन शिकायत के बाद भी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। दिक्कत तो बहुत हो रही है, क्या गाड़ी स्लिप होने खड़ी, कीचड़ इतना हो जाएगा, गाड़ी चलाते नहीं मिल रहे। कभी कभी तो ऐसा होता है बच्चे जाते हैं स्कूल छोड़ने के लिए तो गाड़ी स्लिप हो जाती है कि बच्चे सहित हम भी गिर जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। अधिकारियों को कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई आके एक बार देखे यहाँ पर तो पता चले उनको कि यहाँ पर क्या स्थिति है। बस मेरा कहना यही कहना तात्पर्य है कि रोड बन रहा है यहाँ पर। ये कोई कंपनी ने काम किया था क्या है ये? हाँ सर, ये वो LT कंपनी करके है जो नर्मदा लाइन डाली थी उनने गारा खोद के चले गए, जो कि अब हमारा दिक्कत हो रही है। वो गारा था कीचड़ बहुत हो जाएगा। क्या चाह रहे हैं आप नगर निगम से, कुछ क्या उम्मीद है आप, कुछ क्या बोल रहे हैं सर? नगर निगम से उम्मीद तो है बना जाए, कुछ रोड बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल ये इंदौर शहर की एक कॉलोनी का मामला नहीं है, इसके अलावा भी ऐसी कई कॉलोनियां हैं जहां विकास के नाम पर पहले गड्ढे खोद दिए और फिर मिट्टी डालकर उन्हें बंद कर दिया गया, तो अब बारिश के समय लोगों की मुसीबत बनते जा रहे हैं। इंदौर से भारती व्यास की रिपोर्ट।